Okay, so this is my house. This is my drawing room. This is the living area. And these rooms are private. Let's not go over there. But जिसका आज आपको हाउस टूर देने वाले हैं, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। एस्क्वेयर का घर देखना चाहोगे तो आ जाओ फटाफट से। गाइस, लाइट्स तो इतनी भरपूर डाली है कि जो कोने में भी जो वहाँ लाइट आएंगी, ये स्लाइडर डोर और किचन देखो। तो चलिए केरी मिनट के घर से शुरुआत करते हैं। इन्होंने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में अपना रूम और कंप्लीट स्टूडियो सिस्टम रख रखा है। बात करें अगर इनकी स्टूडियो रूम की कॉस्ट की तो 2 करोड़ से ज्यादा ही है। इसके अलावा इनके भाई वाइली फ्रेंजी का भी एक अपना खुद का म्यूजिक स्टूडियो है जिसकी कॉस्ट 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रिगर्ड इंसान ने रिसेंटली अपना नया हाउस एक काफी रिच क्लासी सोसाइटी में लिया है। अभी ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस घर की कीमत है 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जो 2 स्टोरी हाउस है और पूरे घर में सेंट्रल एसी लगा हुआ है। घर के बेसमेंट में अपना खुद का प्राइवेट थिएटर और जिम भी है इस घर में। सौरव जोशी का एक नया घर बनने वाला है जो काफी लग्जरी है। ये 4 मंजिल का घर और इसकी डिजाइन को देखते हुए इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस घर में गेमिंग रूम को स्लाइड से सीधा ग्राउंड फ्लोर से कनेक्ट किया हुआ है। साथ ही साथ सारे रूम्स, हॉल्स और लिविंग स्पेस कनेक्टेड है और इस घर में सिक्योरिटी और प्राइवेसी का खास ख्याल रखा गया है। मुंबईकर निखिल ने अभी मुंबई में अपना खुद का घर लिया है जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है। इन्होंने अपने घर को यूरोपियन और क्लासिक स्टाइल में डिजाइन किया है। घर में एक मास्टर रूम, एडिटिंग रूम, लिविंग रूम, किचन के साथ गेस्ट रूम और बालकनी भी है। बियर बाइसेप्स रणवीर अलाबाटिया। रणवीर जी ने 6 साल की मेहनत से इन्होंने रिसेंटली मुंबई में अपना खुद का घर ले लिया। इस घर की कॉस्ट, लोकेशन और लग्जरी को देखते हुए इजिली 9 करोड़ से ज्यादा ही है। इनकी भागदौड़ भरी जिंदगी से अपोजिट अपने हाउस को ऐसे डिजाइन किया है जिसे इनको कंफर्ट कोजी फील करवाए। इस हाउस की बालकनी में ओशन व्यू मिलता है। इस घर के आर्किटेक्चर ने लाइटिंग में बहुत ही क्लासिक वर्क किया है और इस घर में पॉडकास्ट स्टूडियो और एडिटिंग रूम भी बनाए हुए हैं। अरविंद अरोड़ा, A2 मोटिवेशन। अरविंद सर जो कि एक मोटिवेटर है, इन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में अपना खुद का घर लिया है। इस घर की लग्जरियस कंस्ट्रक्शन और लेविश फर्निशिंग देखते हुए इसकी कीमत 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस घर में इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्लीट स्टूडियो बना रखा है। फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा सर ने भी रिसेंटली मुंबई में अपना नया घर लिया है। इससे पहले ये कानपुर में रहते थे। बात करें इनके मुंबई वाले घर की तो वो काफी नॉर्मल और क्लासिक स्टाइल में बनाया हुआ है। फ्लाइंग बीस्ट काफी बड़े क्रिएटर है बट लाइफस्टाइल और व्लॉग्स में एकदम नॉर्मल पर्सनालिटी में दिखते हैं, इसलिए घर में कुछ खास लविश और एक्सपेंसिव चीजें इंक्लूड नहीं की है। भुवन बाम इनके अधिकतर वीडियोस इनके पुराने घर के रूम में शूट की गई है लेकिन रिसेंटली इन्होंने अपनी फैमिली के लिए मुंबई में एक फ्लैट लिया है जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया गया है। एलविश यादव राव साहब का घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये घर 2 स्टोरी हाउस है जिसमें वॉल्स पर काफी फोकस किया गया है। किसी भी वॉल पर एज शार्प नहीं है, सभी एज कवर्ड है और इस घर की कीमत है 5 करोड़ रुपए। इंडियन बैकपैकर अनमोल जयसवाल का मेन हाउस गुड़गांव में है। इनके घर के बेसमेंट में इनका पूरा गेमिंग सेटअप है। घर के बाहर एक बड़ी पार्किंग है जिसमें इनकी कार और सुपर बाइक्स खड़ी रहती है और इन्होंने अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाइड करवा रखा है। और रोनाल्डो की अब तक की सबसे महंगी चीजें आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो इस वीडियो पर क्लिक करके।